हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिसार जिले के प्रभारी जयप्रकाश ने कहा कि बीजेपी के राजस्थान से प्रभारी कुलदीप बिश्नोई वापस कांग्रेस में आने के लिए दरखास्त देने के लिए तैयार है। जयप्रकाश ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई बड़े परेशान हैं। हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिसार जिले के प्रभारी जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, धान के खेत में उतर गए राहुल गांधी, और राहुल गांधी को लेकर यह कहा जा रहा है कि डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला का यह बयान सामने आया कि राहुल गांधी को देर से किसानों की याद आई है, अगर मेरे साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद तक जाते तो किसानों की समस्या पहले ही जान जाते। देखिए, वैसे तो मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन मैं उसका ज्ञान बताऊं कितना है उसमें। वो ट्रैक्टर लेके गया लोकसभा मोड़ को, धान लाना था, गेहूं बोनी थी या बाड़ी बोनी थी। राहुल गांधी गया धान के खेत में, वो गया था राजनीति करने के लिए। राहुल गांधी गया इस देश के लोगों को संदेश देने के लिए कि किसान और मजदूर के प्रति कितना ललायत है, क्योंकि 4,500 किलोमीटर यात्रा में जो व्यवहारिक ज्ञान राहुल गांधी ने हासिल किया है उसके आधार पर वो गए थे। और दुष्यंत तो बेचारा ट्रैक्टर लेके उसमें विधानसभा लोकसभा में गया था, उड़े तो खेती थोड़ी हो गई लोकसभा में, वहाँ तो बुद्धिजीवी लोग जाते हैं, वहाँ खेती की जरूरत नहीं होती। पता नहीं क्यों गया ट्रैक्टर लेके, मेरे समझ में नहीं आई। खेत में कभी नहीं गया खेत। एक एक दिन दुष्यंत गेहूं का खेत काटे में फोटो मिल जाए कहीं किसी बैल के तड़े तो पकड़ रहा, अरे तरला तने कौन काटेगा, तूड़ी क्या की होगी, उन्हें बेचारा नहीं, उन्हें मेरा ऊपर तक काटने तड़े थे। ये बेकार ड्रामे की बात करते हैं, कहने के लिए कुछ बचा नहीं। अपनी जमीन खिसक चुकी है, अपना विश्वास लोगों का इनसे उठ चुका है, तो इसलिए अजूले फजूले बयान अब कई दिन देवेंगे। आपके अजीज हैं कुलदीप बिश्नोई, वो ये कह रहे हैं कि सहप्रभारी बनाए जा चुके हैं राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के, और पद मिलने के साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का खात्मा तो खुद कांग्रेस पार्टी कर लेगी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है कांग्रेस पार्टी। देखिए, वो तो 2007 में भी जब छोड़ के भाग गया तो 9 में था, 2 साल लोगों को बकाता रहा, उस वक्त भी ये कह करके गया था, फिर वापस कांग्रेस में आना पड़ा। अब भी मैं कहता हूँ दरखास्त देने खातर तैयार है कभी न कभी, वो बहुत परेशान है बीजेपी में। बीजेपी की लोगों ने उसकी हैसियत कांग्रेस में था मुख्यमंत्री का दावेदार, आज तो अपने बेटे को मंत्री बनाने खातर भीख कटोरा, जैसे भीख का कटोरा ठे फिरता ना, ऐसे घर घर जा रहा है कि मेरे बेटे को मंत्री बना दो, और इसको कुछ नहीं बनाएंगे। आदमपुर की जनता के साथ जो ठगी करने में कुलदीप बिश्नोई इसका परिवार है, आज आदमपुर की दुर्दशा के लिए कुलदीप बिश्नोई इसका परिवार दोषी है और गठबंधन सरकार दोषी है। ये हालत इनकी वजह से हुई। अगर जयप्रकाश को आदमपुर मंडी के लोग चुन करके भेज देते तो कम से कम मैं ये मंडी की बुरी हालत नहीं होने देता, मैं इस मामले को उठाता और लड़ता। आज कहा है कुलदीप बिश्नोई उसका बेटा, लोगों को पीने का पानी नहीं आदमपुर में, बाहर से पानी मंगवा रहे हैं, सीवरेज और वाटर सप्लाई का पानी मिक्स हो चुका है, बढ़ने के लिए जगह नहीं। एक बार मेरे से एक मजाक में एक साथी ने कहा, बोला जेपी साहब आदमपुर तो पैरिस बन गई, मैं क्यों कर, बोला जूती लेके नहीं जाना हमारे आदमपुर में, बाहर जूती काट के जाना, हमारा कारपेट खराब हो जाएगा, रबड़ की सड़क है ना, मेरा गाड़ी जाएगी सड़क टूट जाएगी, मजाक हो रहा है इनका। ये कुलदीप बिश्नोई हिसार लोकसभा का चुनाव लड़ने में भी दिलचस्पी रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में तो वो कांग्रेस पार्टी में जो लोग उनके साथ थे उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट करेंगे और चुनाव वो हिसार लोकसभा से ही लड़ेंगे। लड़ लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, जिसे आदमपुर के लोगों ने तजुर्बा हो गया, बाकी हो रहा ना हो जाएगा, आदमपुर ही फैसला कर देगा कुलदीप बिश्नोई का किसको वोट देंगे। ये उचाना को लेकर बड़ी गहमा गहमी इस वक्त देखने को मिल रही है, कभी वीरेंद्र सिंह ये कहते हैं कि दुष्यंत नहीं लड़ेगा, दुष्यंत कहते हैं वीरेंद्र सिंह का परिवार नहीं लड़ेगा, अब क्या स्थिति इस वक्त उचाना में आपको नजर? उचाना तो कांग्रेस जीतेगी, कौन सा नहीं जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी 100%, कोई लड़ ली। ये फेरिस्त का जिक्र पहले भी आपकी तरफ से किया गया था और उदय भांजी भी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के काफी सारे मौजूदा विधायक आपके संपर्क में हैं, खुलासा आप नहीं करते? नहीं, अभी खुलासा करने की जरूरत नहीं है, अभी समय है, हम खुलासा क्यों करें। मैंने कहा था कि एक्स एम एल ए 3 करेंगे ज्वाइन, और बहुत है। अब एक्स एम एल ए तो तकरीबन आ गए, एक तिहाई तो हमारे साथ आ ही गए,
अब रहेगी सीटिंग एमएलए की बात, जेजेपी बीजेपी के, इनकी पृष्ठभूमि को देख करके लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं के ऊपर कितने खड़े उतरे हैं, उसके बाद पार्टी फैसला लेगी। भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकमेंसी को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए, चाहे परिवार पहचान पत्र का जिक्र करें, चाहे प्रॉपर्टी आईडी का जिक्र करें, और चाहे ऐसे लोग जिन्हें शादी करने का मौका नहीं मिला उनके लिए पेंशन भी लागू कर दी गई। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि हर वो दांव आजमाया जा रहा है जिससे कांग्रेस पार्टी को बीजेपी हरियाणा में ध्वस्त कर पाए। ये तो असफल प्रयोग कर रहे हैं, फेल लोग हैं। कई बार पहलवान अपने दाव में मर जाता है, जब दाव कट जाता बैंगड़ी बोलते हैं उसको, तो इनके तो बैंगड़ी लग गई, फेल हो गए, इनके पल्ले कुछ नहीं बचा है। मनोहर लाल जी कुछ कहते रहो, हुड्डा साहब ने ये तो लागू कर रहे हैं पीपी। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार आते ही पोर्टल नहीं रहेगा, ना पीपी रहेगी, ना पन्ना प्रमुख रहेगा, ना कागज रहेगा, ना पत्थर रहेगा, तो लोग तो इसमें ताड़ी बजाते हैं और ये लोगों को पन्ना प्रमुख बनाते हैं। विपक्ष आपके समक्ष हिसार में 20 तारीख को राजीव जी के जन्मदिन पर पूरी ताकत आजमाएंगे। बड़ा भारी हिसार जिले की आज तक की सबसे बड़ी रैली होगी। चलिए, कुलदीप बिश्नोई को लेकर जयप्रकाश की तलखी अब भी बरकरार है। साफ ये कह रहे हैं कि आदमपुर बदहाल है और आदमपुर की जनता अब कांग्रेस को ही अपना बेहतर विकल्प मान रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।